बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। राजस्थान का रुख करते हैं, दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और राजस्थान का पूरा चुनाव दूसरे चरण में खत्म हो रहा है। पहले चरण में बाकी सीटों पर मतदान हो चुके हैं। आनंद चौधरी हमारे साथ हैं, संवाददाता हैं, इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के जयपुर में हैं। आनंद जी, पहली चीज तो जालौर सीट के हाल बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत का चुनाव वहाँ कैसा जा रहा है? इसके पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं पर जीते नहीं थे। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनके सामने एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी चुनाव मैदान में हैं। इस सीट को कुछ समय पहले तक वैभव गहलोत के लिए शायद सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन आज पूरे दिन हम जालौर लोकसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पे गए थे, भीनमाल, रेवदर और कुछ अन्य इलाकों में हम गए। वहां हमने जो माहौल देखा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सीट पूरी तरह से वैभव गहलोत के लिए सुरक्षित है, क्योंकि वैभव गहलोत को लुम्बाराम चौधरी से बड़ी टक्कर मिलेगी और हो सकता है जो चुनाव परिणाम आए उसमें नतीजे बहुत कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये सीट अशोक गहलोत के पुत्र के लिए इतनी आसान नहीं है और पिछली बार का जो चुनाव की अपन बात करें तो पिछली बार वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो इस बार फिर से जोधपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने 274,000 वोटों से वो हार गए थे। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली और जालौर पहुंचे और जालौर को उन्होंने जितना सुरक्षित माना, मेरी नज़र में उनके लिए ये सीट उतनी सुरक्षित नहीं है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो। हो सकता है कि वैभव गहलोत की जो ये सीट है उनके राजनीतिक भविष्य का भी ये फैसला करेगी। अच्छा, एक फैक्टर आरएलपी का भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। कांग्रेस से एक अलायंस तो है उनका, पर क्या ऐसा है कि पूरे मन का अलायंस नहीं है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल के लिए प्रचार करने कांग्रेस के नेता तो आए, पर हनुमान बेनीवाल जहां जहां उनसे अपेक्षित है हर जगह पहुंच नहीं रहे हैं। मिसाल के तौर पर बाड़मेर वाली जो सीट है वहाँ वो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उम्मेदाराम बेनीवाल उनके प्रचार के लिए नहीं पहुँचे। इसको किस तरह से देखा जा रहा है? फिर वहाँ हमने देखा कि दो धड़े बन गए हैं आरएलपी के गुटों में और कुछ लोग कैलाश चौधरी के पक्ष में वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ लोग उम्मेदाराम बेनीवाल के पक्ष में बैठे। राजस्थान में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने बाड़मेर लोकसभा सीट पर भाजपा के कैलाश चौधरी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया चुनाव से एक दिन पहले। आप ये देखिए कि इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए गए। कांग्रेस की तरफ से आवाज उठी कि क्या हनुमान बेनीवाल उनको रोक सकते थे, हनुमान बेनीवाल ने उनको रोका क्यों नहीं। हनुमान बेनीवाल का भी बयान बहुत बाद में आया कि मैं क्या कर सकता हूं, वो पार्टी के अलग पदाधिकारी थे, वो चले गए तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। लेकिन इसमें जो देखा जा रहा है इसको दूरगामी उसमें देखा जा रहा है कि हो सकता है हनुमान बेनीवाल को ये अंदेशा हो या उनको ये आभास हो गया हो कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो दोनों हाथों में अपने लड्डू रख सके। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है और हनुमान बेनीवाल नागौर से जीतकर लोकसभा क्षेत्र में वहां संसद में पहुंचते हैं तो हनुमान बेनीवाल वहां, अगर बीजेपी को कुछ सीटों की कमी रहती है तो हनुमान बेनीवाल वहां अपना दांव खेल सकते हैं और वहां वो अपना जो समर्थन है वो बीजेपी को भी दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने दोनों दरवाजे खुले रखे हैं, दोनों हाथों में लड्डू रखा है। हनुमान बेनीवाल ने इस लोकसभा चुनाव है इसको बहुत ज्यादा गर्मा दिया है। इसी चरण में बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं का भी फैसला आनंद होना है। कोटा से ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर भी हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, इन दोनों के चुनाव क्या ये कह सकते हैं कि वहां पर भी मुकाबला है, वहां की परिस्थितियां कैसी? जोधपुर लोकसभा सीट और कोटा लोकसभा सीट को चुनाव से पहले बहुत ही भाजपा के लिए बहुत सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित हुए और वहाँ पे एक चुनाव का दंगल जो मचा। आप कोटा की बात करें तो कोटा में ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष भी हैं उनके लिए ये सीट बहुत सुरक्षित मानी जा रही थी, लेकिन जैसे ही प्रहलाद गुंजल जो भाजपा के पूर्व में विधायक रह चुके हैं वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए तो वो मुकाबला कांटे का हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से प्रहलाद गुंजल के लिए लोगों का समर्थन उमड़ा है और जिस तरह से प्रहलाद गुंजल को ग्रामीण क्षेत्रों से जो समर्थन मिल रहा है उससे लग रहा है कि इस बार कोटा में ओम बिरला को बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है और वहां के जो नतीजे हैं वो भी बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। अपन बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की जोधपुर संसदीय क्षेत्र में, तो कुछ समय पहले जब करण सिंह उचियाड़ा को वहां उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने तब ये लगा कि बहुत नया नाम है, शायद वहां गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान
पर चढ़ा। आप ये देखिए कि इस चुनाव में जो कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व था वो पूरी तरह से गायब रहा है। राहुल गांधी के यहाँ सिर्फ एक दौरा हुआ है जिसमें उन्होंने दो सभाएं ली, इसी तरह से प्रियंका गांधी की 3 सभाएं हुई, सोनिया गांधी सिर्फ एक जन घोषणा पत्र जो न्याय घोषणा पत्र है उनका वो जारी करने से जयपुर आई, इसके अलावा कुछ सभाएं खड़गे की हुई। लेकिन ये आप देखिए कि ये पूरा चुनाव अशोक गहलोत अपने बेटे के लोकसभा क्षेत्र में उलझे रहे, ये पूरा का पूरा चुनाव प्रत्याशियों ने खुद लड़ा है या कांग्रेस का बहुत ही जो जो छोटा नेतृत्व था या आप मानिए कि प्रदेशाध्यक्ष हैं और सचिन पायलट हैं उनके कंधों पे ये पूरा एक चुनाव अभियान था। अब आप देखिए कि इस चुनाव अभियान में गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने जो जिनको करण सिंह को हम बहुत कमजोर उम्मीदवार मान रहे थे उन्होंने भी उनको कड़ी टक्कर दी है और गजेंद्र सिंह एक बढ़िया मुकाबले में फंस गए। चलिए बहुत शुक्रिया आनंद चौधरी, हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए थे।